हेलो स्टूडेंट, आप सभी का टॉप गैलरी चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, तैयारी में जबरदस्त लगे होंगे और इस बार जो है बोर्ड एग्जाम एकदम बेहतरीन नंबर लाकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे और इस सपने को पूरा कराएंगे हम, यानी कि टॉप गैलरी चैनल आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन जो है, और देख लीजिए सेट कौन सा है, 8 से 24 क्या है, EN है। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की स्थिति होगी। देखिए, यानी कि अवतल दर्पण है, वस्तु कहाँ बनना चाहिए, जितना आप जहाँ वस्तु रखें वही बने, वस्तु के बराबर बने। आप लोग क्या जानते हैं कि जब अवतल दर्पण हो और वस्तु कहाँ वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, जितना बड़ा वस्तु होगा वही उतना ही बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और जहाँ वक्रता केंद्र पर रखे प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे बनता है, और कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो पूछा है कंडीशन आपसे कि जब वस्तु कहाँ रखा हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। पहला आंसर तो यही होगा, क्योंकि बोला है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनना चाहिए, ये कौन सा भी रंगे नहीं है, रंग देते हैं कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, क्योंकि इसके बाहर वाले भाग पे क्या हुआ, कलई किया गया है। यहाँ से एक मुखज खींच लेते हैं, यहाँ पर क्या बना लेते हैं, ध्रुव बना लेते हैं, यहाँ पर क्या है, फोकस है, यहाँ पर मान लेते हैं वक्रता केंद्र है। ठीक है, यहाँ से वस्तु रख लेते हैं, वस्तु से दो प्रकाश किरणें निकलेंगी, एक मुखज के समांतर और एक मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जो प्रकाश किरण मुखज के समांतर जाती है वो फोकस से निकल जाती है, जबकि दूसरी कहां से निकल जाती है, जो मुख्य फोकस से जाती है मुखज की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। टच कहाँ पे की, यहाँ। तो देखिए, जितना वस्तु जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आपसे पूछा था कि वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता, तो कहाँ पे वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बन गया, तो रखे कहाँ पे वस्तु, प्रकाशीय केंद्र पे, ए वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। पहला क्वेश्चन का आंसर यही है। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है, तो ऑप्शन है हरा, पीला, लाल, बैंगनी, किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन, इसका आंसर बताइएगा। जल्दी से आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है, न्यूनतम विचलन, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे, जल्दी से लिखिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। पूछ ऑप्शन दिया है हरा, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है लाल, चौथा ऑप्शन है बैगनी। चलिए जल्दी से अपना आंसर लिखिए। चलिए इसको बताते हैं, एक प्रिज्म बना लेते हैं जिसमें से प्रकाश किरण को गुजारना है। ठीक, तो मान लेते हैं प्रकाश किरण यहां से भेज देते हैं, यहां से जाने के बाद सीधे हो जाएगा, सीधे होने के बाद सात रंगों में विभक्त हो जाता है, बिब ग्योर, ध्यान रखिएगा ट्रिक है बिब ग्योर, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ हो गए, सॉरी बिब ग्योर, तो वायलेंट, ये बैगनी हो गया और रेड हो गया। सबसे अधिक विचलन पूछेगा तो बैगनी का, सबसे कम विचलन किसका होता है, रेड का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का, ये ट्रिक है, ध्यान रखिए याद करने का, बैगनी बिब ग्योर, बैगनी इसको बोल सकते हैं, जामुनी बोलते हैं, नीला, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये पूरा याद रहे, बिब ग्योर। तो सबसे अधिक विचलन पूछेगा तो बैगनी, सबसे कम विचलन रेड का,
कौन सा सबसे बीच में आता है, ग्रीन। इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, तीन तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे। पहला, सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी का। सबसे कम विचलन, रेड का। सबसे बीच में कौन होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, चलिए इसको तब तक नोट कीजिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने। हाँ, एक क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, नियंत्रित। अब जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 30 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी जल्दी इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन दिया है, मांसपेशियां, नेत्र लेंस, पुतली, कार्निया। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें देखिए, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, पुतली। क्या नियंत्रित करता है, पुतली। पुतली होता क्या है, पुतली जो आप लोग देखे कभी हम लोग की पुतली जो छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, जब वही अंधेरे में हम जाते हैं पुतली बढ़ जाती है, जबकि जब क्या हो, जब हम धूप में देखते हैं पुतली क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन छूट गया, सॉरी, देखते हैं। हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। एक अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, बताइए। अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, जल्दी से बताइए। अवतल लेंस का प्रयोग बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी से इसका आंसर लिखेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लिखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर बच्चे को याद होता है क्वेश्चन, अवतल लेंस और उत्तल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष में किया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयार किए होंगे, उम्मीद करते हैं। ये बिबग्योर जो है एकदम ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ट्रिक्स नहीं याद करेंगे तो भूल जाएंगे, जो भी ट्रिक हो याद कर लीजिए। ये हमको ये अच्छा लगता था ट्रिक, इसलिए हम इससे याद किए, आपको जो अच्छा लगे उससे याद कर लीजिए। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बताइए जल्दी से। चलिए इसका आंसर बताते हैं हम लोग। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है आपका निकट दृष्टि दोष में। किस दोष में, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। यदि हम बात करें उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस ये दूर दृष्टि दोष, ये किसमें, दूर। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष होता क्या है, इसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो अवतल लेंस का उपयोग कहाँ, निकट दृष्टि दोष में। उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ, दूर दृष्टि दोष में। इसमें क्वेश्चन आना फिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला लगवाया ना, ये अभी एकदम छपने वाला क्वेश्चन है, और इस
पहले नहीं आता था, अब से 3-4 साल में इतना पूछा जा रहा ना कि इसको अनदेखा नहीं कर सकते। जब से कोरोना काल आया तब से ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड हो गया है, या तो जो पेपर बना रहा है उसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। विद्युत शक्ति का आपको सूत्र लिखना है, विद्युत शक्ति का क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। और सूत्र किस में होना चाहिए, वी और आर में होना चाहिए। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, 30 सेकंड का आपको समय देते हैं। विद्युत शक्ति का लिखिएगा आप लोग, जल्दी से आप लोग इसका आंसर लिखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है। फिजिक्स में देखा जाए तो 7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 7 क्वेश्चन फिजिक्स का, 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, ठीक है। 7 फिजिक्स, 6 केमिस्ट्री, हो गया 7, 6, 13, और आपके बायो के भी 7 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बायो 7, केमिस्ट्री 6 और फिजिक्स भी कितना, 7। तो बायो भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। बायो में बहुत ही आसानी से आप लोग पेपर कर सकते हैं, और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है ना, साइंस और मैथ, मैं और तो नहीं जानता, जितना पढ़ाता हूँ उतना जानता हूँ। मैथ में आप 70 में से 70 भी ला सकते हैं, मतलब 65 से ऊपर तो कर ही सकते हैं। अगर आपने मेरा पूरा प्रैक्टिस सेट देख लिया ना तो 65 तो कर ही सकते हैं, और साइंस की बात करें तो 60+ कर लेंगे। साइंस में थोड़ा थ्योरी होता है, राइटिंग पर आप लोग ध्यान देंगे, राइटिंग भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि राइटिंग बहुत लोग का खराब होता है, यदि राइटिंग खराब है तो नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए विद्युत शक्ति का आप लोग लिखिएगा सूत्र जो होता है, इसका मात्रक भी बहुत पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए विद्युत शक्ति को लिखते हैं पी से, पी बराबर होता है वी स्क्वायर आर, ठीक है, पी बराबर वी स्क्वायर आर, ये हो गया, नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। बोला है किसी वस्तु धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो सीधी लंबी परिनालिका ले लिए, इसके भीतर निकालना हमको क्या, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है 0 होता है, पहला ऑप्शन क्या है, 0 होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है इसको सिरों की ओर जाने पर घटता है, और चौथा आपका दिया है इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यदि आपका बेसिक क्लियर है ना तो कर लेंगे, यदि बेसिक क्लियर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। और साथ में क्वेश्चन और लिख देते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन, ताकि फिजिक्स समाप्त हो जाए। 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में जो घर होता है ना उसमें एसी का मान बताइए। घर में क्या आता है, एसी आता है, तो एसी का जो आपको आवृत्ति बताना है, आवृत्ति कितनी होती है। ऑप्शन दिया है 0, 50 हर्ट्ज, एचजेड है, ठीक है, हर्ट्ज को एचजेड से लिखते हैं, 60, 100। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी इसका आंसर लाइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो बताइए सबसे लंबी परिणाली जो है, क्या बोलते हैं, परिणाली क्या है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय। इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि धारावाही सब परिणाली क्या, उसमें सभी जगह क्या हो, समान धारा प्रवाहित हो, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा ना वो सभी जगह क्या होगा, समान होगा, ठीक है। यदि आपका जो है घर, जो हम लोग का जो घर होता है ना, तो इसका आंसर क्या, अच्छा रुक जाइए एक मिनट, इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि धारावाही परिणाली क्या है तो उसमें सभी जगह क्या होगा, धारा का मान समान होता है। तो जब धारा समान है तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान क्या होगा, समान होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, तो लिख लीजिए समान होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में एसी की आवृत्ति कितनी होती है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है, कितनी हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज होती है। अगर विभवांतर की बात की जाए तो 220 वोल्ट होता है। तो जो हम लोग के घर में धारा लाइट आती है ना, उसका पूछा जाता है बार बार कि आवृत्ति कितनी होती है, तो आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, जबकि विभवांतर कितना होगा, 220 वोल्ट होता है, कितना होता है, 220 वोल्ट होता है, ठीक है।
इसको फिजिक्स में आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलते हैं केमिस्ट्री पर। पूछा है आर्सेनिक तत्व है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में आंसर लिखते रहिएगा क्योंकि केमिस्ट्री है। तो आर्सेनिक तत्व है, अब कौन सा तत्व, धातु है, अधातु है कि उपधातु है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं, प्रोपेन का सूत्र बताइए, प्रोपेन का सूत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं, ये रिएक्शन बताइए, Fe2O3 प्लस 2AI Al2O3 प्लस कितना 2Fe, इसका सूत्र बताएंगे आप लोग क्या होगा, बताइए। संयोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और ऊपर वाला आप लोग नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं इसको, फिर आगे और क्वेश्चन लिख देते हैं, भी होगी। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, तीनों का आंसर आना चाहिए आप लोग की। अब बताइए आवर्त सारणी में दाहिनी ओर जाने पर क्या होता है, आवर्त सारणी में दाहिनी ओर जाने पर क्या होगा, ठीक है। और 12 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है एसिटिक अम्ल, लिख देते हैं CH3COOH, सीधे सूत्र लिखते हैं, ठीक है। एथेनॉल C2H5OH, कास्टिक सोडा NaOH, ये अपमार्जक मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, मिलान करना है। इधर है साबुन निर्माण में, ये स्पिरिट में, सिरका में, कपड़े साफ करने में। चलिए जल्दी से आंसर लिखिएगा आप लोग। और एक 13 है कि जल का पीएच मान कितना होता है, जो अभी मिस्टेक हुआ था पिछले वाले वीडियो में। ध्यान से देखिए, आर्सेनिक जो तत्व होता है ना, वह क्या होता है, उपधातु होता है, यानी कि न धातु न अधातु, क्या होता है, उपधातु होता है। धातु किसे कहते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित हो सके। अधातु किसे कहते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित न हो सके। उपधातु जो दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है, उपधातु कहलाता है, ठीक है। प्रोपेन का सूत्र लिखना है, तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन। प्रोपेन को थोड़ा इंग्लिश में लिखते हैं, प्रोपेन कितने, प्रोप मतलब 3 कार्बन, C3 एन लग गया ना, एन मतलब क्या होता है कि कार्बन की संख्या का 2 गुना + 2, तो 3 का 2 गुना 6 6 2 8, तो प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8। अब देखिए बोला है कि संयोजन है, वियोजन है, कि विस्थापन है, कि द्विविस्थापन है, ऐसी समझिएगा। दो मित्र हैं ए और बी, इसमें एक तीसरा मित्र आता है और बी वाले को हटा के खुद ए का मित्र हो जाता है और ए और सी अच्छे मित्र हो जाते हैं। तो एक बार एक सी वाले ने क्या किया, बी को हटा दिया। जब सी वाले ने बी को हटाया ना, ए क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब बात आता है विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर की, बात किसका आता है, विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर की। तो ए बी एक और मित्र हो, जोड़ी ए और सी और डी, क्या करे, सी हटा दे बी को, तो ए और सी मित्र हो जाए, बी डी का मित्र हो जाए, बी और डी, यानी मित्रों की क्या हुई, अदला बदली। जब मित्रों की अदला बदली होती है ना, तो द्विविस्थापन होती है। तो यहाँ पर देखिए Fe2O3 था AI, क्या किया, इसको Fe को हटाया, फेंक दिया बाहर, अब क्या हो गया, AiO3 AiO2। यहाँ पर एक बार विस्थापन हुआ ना, तो इसको बोलेंगे सिर्फ क्या है, विस्थापन है, क्या है, विस्थापन, ठीक है। और जल्दी सा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोला है आपसे क्या, आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पे क्या होता है, धात्विक गुण क्या होता है,
और परमाणु त्रिज्या पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इस साइड वाला इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इधर से समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा, एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छे समझाएंगे जब हमारे पास पीरियोडिक टेबल होगा, पीरियोडिक टेबल अभी है नहीं यहाँ पास में, तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं और साड़ी है, इधर धातु होते हैं, इधर क्या होते हैं गैस होता है, इधर गैस, इधर धातु और इधर गैस, तो जब ये हमारा हाथ देखिए, ये कौन सा हाथ है, बायां, और ये क्या है दायां, तो बाएं से दाएं हो जा रहे, मतलब दाहिनी ओर जा रहे, और दाहिनी ओर जा रहे क्या हो रहा है, धातु से गैस हो गए, यानी धात्विक गुण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, धात्विक गुण कम होता है। पहला पॉइंट तो यही है कि धात्विक गुण कम होता है। दूसरा होता है कि इनका परमाणुक आकार भी क्या होता है, छोटा होता है, आकार या त्रिज्या बोल सकते हैं, आकार कम होता है, ठीक है, दो पॉइंट हो गए। अब ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन में 12 नंबर में CH3COOH है, तो आप लोग जानते हैं इसका किसका फार्मूला है, सिरका का फार्मूला है, C2H5 स्प्रिट अपमार्जक कपड़े धोने में, और NaOH किसमें प्रयुक्त होता है, साबुन वाले में। जल्दी से इसको नोट करिए कमेंट बॉक्स में, और नोट हो जाए तो लिखिएगा। फिर हम चलते हैं किस पे, बायो पे, बायो में भी 7 क्वेश्चन है, थोड़ा से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, 25 डिग्री सेल्सियस पर 13 नंबर क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो पिछली वीडियो में हमने 0 बता दिया था उससे क्षमा चाहते हैं, वो कैमरे के सामने आने से दिक्कत हो गया था थोड़ा सा, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब बात करते हैं बायो में, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, बायो में चलते हैं, ठीक है, तो बायो में आप लोग को इधर ही बता देंगे, बहुत ही आसान है, बायो में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला कि प्रकाश संश्लेषण में क्या प्रयुक्त नहीं होता है, दिया ऑक्सीजन O2 CO2 जल H2O और क्या ग्लूकोज, तो आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में क्या प्रयुक्त नहीं होता, O2, पहला ही गलत है। पीत का संश्लेषण कहाँ होता है, यानी पीत का निर्माण कहाँ होता है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है, जल्दी से लिखिए, और कहाँ पे ये ख़त्म कहाँ होता है, पीतरस का जो श्रावण होता है वो कहाँ से होता है और समाप्त कहाँ पे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, 14 कि प्रकाश संश्लेषण में क्या प्रयुक्त होता है, CO2 H2O, बताइएगा पीतरस कहाँ से निकलता है, जल्दी से इसके, हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, बायां अलिंद दायां नीले दायां अलिंद, ठीक है। पुनरुत भवन में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, उसको ध्यान से रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों में पाया जाता है। पुनरुत भवन मतलब ये होता है कि काट देने पर फिर से बढ़ जाते हैं, तो ये प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों चीज़ों में पाया जाता है, और इसमें कुछ उदाहरण इसके ध्यान रखिएगा, जैसे छिपकली का पोच कट जाता है, पोच कट जाने के बाद फिर भी वो क्या हो जाता है, पोच फिर बढ़ जाता है उसका, पूछ करते हैं, ठीक है, वो फिर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन किसमें होता है, तो देखिए कायिक प्रजनन किसमें होता है, आलू में, गुलाब में, चने में, अजूबा में, ये सब, अजूबा एक नाम का पौधा है जो किस फैमिली का है, ब्रायोफिलम फैमिली का है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन किसमें होता है, अजूबा में होता है, तो इसको मिटा देते हैं, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन, तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन किसमें होता है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन ब्रायोफिल्म अजूबा में होता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हैं जो कायिक प्रजनन करते हैं, आलू में, चना में, गुलाब में, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा, जो डार्विन प्रसिद्ध हैं वो क्यों हैं, प्राकृतिक वरण सिद्धांत हेतु, इसको लिख लीजिएगा, प्राकृतिक वरण सिद्धांत हेतु, इसको बोलते हैं क्रम विकास,
और देखिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, किस देश को पौनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को क्या कहा जाता है? पौनों का देश कहा जाता है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।